गुजरात प्रदेश कार्यालय महानुभवनी उपस्थिति में उद्घाटन करवामां आव्युं हतुं। आज रोज हिंदू युवा वाहिनी गुजरात प्रदेश कार्यालय समासावली रोड पर स्क्वेर मॉल खाते उद्घाटन समारंभ योजवामां आव्यो हतो, जेमां हिंदू युवा वाहिनी संगठन महासचिव रोहित भाई चौधरी तथा प्रदेश मंत्री और गुजरात लीगल सेल अध्यक्ष एडवोकेट नरेन्द्र भाई जे मिश्रा द्वारा संस्था सेवाकीय कार्यो और योगदान संदर्भे तेमज आगामी रणनीति अंगे पोतानी व्यक्तित्व रजू कर्यु हतुं। अत्र नोंधनीय छे के हिंदू युवा वाहिनी नो प्रारंभ वर्ष 2002 दरमियान श्री रामनवमी ना पावन अवसरे श्री गोरखनाथ मंदिर खाते हिंदू सम्मेलन ना रूप में थयो हतो। हिंदू युवा वाहिनी नो सूत्र छे के तेरा वैभव अमर रहे मां हम दिन चार रहे ना रहे, ज्यारे हिंदू युवा वाहिनी नो मुख्य उद्देश्य भारतीय संस्कृति नो प्रचार प्रसार करवो छे। देशवासीओ मां राष्ट्रभाव जगावी अखंड भारत नी कटिबद्धता स्वराज स्वावलंबी भारत नो सपनो साकार करवो तेमज पशु पक्षी तथा पर्यावरण नो रक्षण करवानो छे। आ प्रसंगे गुजरात ना प्रदेश अध्यक्ष शैलेन्द्र पाठक, हरपाल सिंह जाडेजा, प्रदेश प्रभारी तेमज अन्य होद्देदारों और कार्यकर्ताओं मोटी संख्या में उपस्थित रहा था। बस आपणो उद्देश्य एटलो ज छे कि हिंदू ज आपणी जे संस्कृति छे एने आगळ वधारवानुं छे। लव जिहाद जेवा मुद्दाओ छे एना उपर गंभीरताथी आपणे काम करवुं छे। बस बीजुं तो हवे जेटला भी आपणा हिंदुत्वनी उपर जेवी काम करवामां आवशे एना उपर अमारी हिंदू युवा वाहिनी आगळ रहीने काम करशे। કાર્યકર્તાઓને જોડવા માટે ઘણા બધા આપણા પ્રશ્નો છે ઓર આપણા જોડે બહુ બધા કાર્યકર્તા બી છે એટલે જોડાયેલા બી છે। હિન્દુ યુવા વાહિનીનો એક મોટો સંગઠન છે જે ગુજરાતમાં સ્થાપિત છે। સબસે પહેલે આપ સભી મિત્રો કો ધન્યવાદ, આપ સભી કા અભિનંદન ઇસ ઉદ્ઘાટન સમારોહ મે। હિન્દુ યુવા વાહિની ગુજરાત પ્રદેશ કા બરોડા ઇકાઈ મે કાર્યાલય ખોલા ગયા હૈ, જિસકા ઉદ્દેશ્ય હૈ जनसंपर्क स्थापित करना। हमारे संगठन के जिन उद्देश्यों को लेकर के हम लोग चल रहे हैं उन उद्देश्यों की पूर्ति के लिए समाज के वंचित पीड़ित और शोषित लोगों को हम तक पहुंचने का ये कार्यालय एक माध्यम बनेगा और हम यहाँ से बैठ करके उन लोगों की सेवा कर पाएंगे। किस तरह से कार्यशैली रहेगी आपकी? हम लोगों की कार्यशैली कार्यप्रणाली निर्भर करती है कि विषय कैसा आता है। हम लोग धर्म पारायण लोग हैं, धर्म का आचरण करने वाले लोग हैं और हिंदू युवा वाहिनी के एजेंडे में हमारे संविधान में धर्म परिवर्तन जिस अलग अलग माध्यमों से कराया जाता है उस विषय पर निर्भर करता है कि लव जिहाद का केस आया या किसी को लोभ प्रलोभन देकर के कोई धर्मांतरण कराया जा रहा है, अन्य कोई किसी की पारिवारिक समस्या है, किसी की सामाजिक समस्या है, किसी का इलाज नहीं हो रहा है और कई परिवार ऐसे हैं जहां उनके जीवन यापन की कुछ अव्यवस्थाएं हैं, तो उससे संबंधित विभागों को यहां से पत्राचार द्वारा टेलीफोनिक हम लोग वो एक माध्यम बैठा करके एक संकलन करके सरकार के साथ में प्रशासन के साथ में और उस परिवार को लाभ पहुंचाएंगे। गुजरात में विश्व हिंदू परिषद भी है, बजरंग दल भी है, आपने नया क्या होगा? ये सवाल पहले भी मुझसे पूछा गया था। गुजरात में विश्व हिंदू परिषद भी है, बजरंग दल भी है। जब विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल की स्थापना हुई थी, जब ये लोग समाज में काम करने के लिए आगे आए थे, तब मुझे लगता है कि प्रदेश की जनसंख्या 3.5-4 करोड़ रही होगी और समय के साथ में लोगों की संख्या बल बढ़ने से, समस्याएं बढ़ने से, शहरों का विकास होने से, प्रदेश का विकास होने से और कुछ मुद्दों के छूट जाने से जब समस्याएं बढ़ती हैं, जब हम डेवलपमेंट्स की तरफ आगे बढ़ते हैं तो ढेर सारी चीज़ों का कहीं न कहीं जो है नज़रअंदाज हो जाती हैं चीज़ें। तो जो चीज़ें इन संगठनों से नज़रअंदाज हुई हैं, ऐसा मैं नहीं कहता कि उन लोगों ने कई चीज़ों को छोड़ दिया है, लेकिन जो काम उनसे नहीं हो पा रहे हैं हम उनका एक और बल बन करके उनके साथ में उभर करके खड़े होना चाहते हैं, इसलिए इस संगठन की ज़रूरत पड़ी। आपने